एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप इन होटल रूम। ओके जानू, सो एफ एन क्रेजी। सो मतलब दिस वीडियो इज बाय सो एफ एन क्रेजी। और ये जो टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप इन होटल रूम, सो इट इज लाइक डिफरेंट काइंड। तो मतलब ये क्या है लिव इन रिलेशनशिप इन होटल रूम, मतलब ये कैसा क्या हो सकता है? सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। Hi sir, is everything okay? हाँ जी, क्या हुआ? Sir, sorry, वाशी गेस्ट कंप्लेन कर रहे थे कि आपके रूम से बहुत रोने की आवाज आ रही है। तो बंदा रो भी नहीं सकता। सर एक्चुअली किसी का बर्थडे, तो इफ यू डोंट माइंड। आप मैनेजर हो? मैं ओनर हूँ, बट आई ऑल्सो मैनेज। आप मुझसे प्लीज दो मिनट बात करोगी? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं है, प्लीज मुझसे दो मिनट बात कर लो ना। सर एक्चुअली आपको मम्मी कसम। ओके सर लिसन, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए, बट आई हैव टू आस्क यू टू लीव। लीव तो मेरी बंदी ने किया था, मैंने शहर क्या छोड़ दो, उसे बंदा ही बदल दिया। यहाँ मैं अकेले, सुन लो ना। अरे रे रे रे। मैडम वो फिर हो रहा है। अच्छा यार सुन, तो कस्टमर्स में बिलीव करता है? हाँ तो कस्टमर। चल रहे दे। निकाल लाए हो? Can't believe I'm doing this. क्या doing जी? अब क्यों कर रहे हो उसे कॉल? हेलो हेलो, मैं, तुम्हारा नाम क्या है? टीटू। मैं टीटू की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। एक सेकंड, मैं टीटू की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब आप किसी पे चीट करते हो ना, तो गर्लफ्रेंड का टैग तो अपने आप ही हट जाता है। अब राधे का बेटा सुन मेरी बात, आज के बाद अगर तूने कॉल किया ना टीटू को, तो तेरे घर आके तुमने ये क्या किया आपने? खुश बेटर फील हो रहा है? हाँ लेकिन क्यों हो रहा है बेटर फील? क्योंकि अब आपको पता है कि उसको पता है कि आप अकेले नहीं हो। चेकिंग आउट टीटू। भाग गया, भाग गया। What the hell? क्या हुआ? अरे आज इतना बड़ा फंक्शन था, हेड शेफ ने एंड टाइम पे बैक आउट कर दिया। मैं हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? बाई चांस मैं यहाँ पे शेफ की जॉब ढूंढने के लिए आया था। अच्छा, ओके, तो दिस हाउ दिस स्टोरी हेडिंग। देखो मैं मानता हूँ ये मानना मुश्किल होगा, लेकिन हो गया प्यार। नए शहर में नया प्यार भी मिल गया, रहने को जगह भी, और साथ ही साथ काम भी। सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर चल यार टीटू, जाने दे, बहुत काम है। रुकना, दरवाजा तो लॉक करने दे। आंटी जी आ जाओ, यहाँ टीटू सर। कहाँ है मेरा बच्चा टीटू? कहाँ है टीटू? कुछ भी बोलता चल यहाँ से। सॉरी बेटी, हैव फन। टीटू ये क्या था? सुन मैं सब समझाता हूँ। मैडम वो आंटी सबको डिस्टर्ब कर रही है। What the? लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दीजिए। बेटा मेरे को कोई धूल मिट्टी की आपन नहीं चाहिए, उस सफाई का फायदा ही क्या जब सफाई ही ना हो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ? बेटा ये मेरा होटल है, आप आराम क्यों नहीं करते कमरे में? एक्चुअली मैम ये होटल, मैंने वॉचमैन को निकाल दिया, ड्यूटी पे सो रहा था। एक सेकंड, निकाल दिया? Why? सर मैम ये होटल। मम्मी हाँ, मेरा बेटा कैसे है? क्या हाल बना दिया होटल का। चल कोई बात नहीं, अब असली मालकिन आ गई है ना, सब संभाल लेगी। सॉरी। अरे मेरे मम्मी डैडी से मिलो। यहाँ पर गेस्ट नहीं है? नहीं। मैनेजर, मैनेजर ही आती। अच्छा आप मैनेजर हो? हाँ जी। तो बेटा मैनेज क्यों नहीं करते, इधर उधर क्यों टाइम पास कर रहे? What is this happening? एक्चुअली सर और हम ना बहुत टाइम बाद मिले, तो थोड़ी प्राइवेसी प्लीज। ओके सर, आप मुझे रूम के कुछ नए डिजाइन दिखाने वाले थे, चले? जा बेटा पहले काम है। हाँ जी मैं बस दो मिनट में, दो मिनट में। टू द हेल इज गोइंग ऑन?
गोइंग ऑन? यार सुन, ठंड रख। मैंने ना मम्मी डैडी को बोल दिया है कि इधर आके मैंने नया होटल खोला है, नहीं तो मुझे वापस बुला लेते। बेटा बात सुन। हाँ आंटी जी। इधर कोई आता जाता भी है या अभी खाली पड़ा रहता है? आंटी जी कभी कभी कपल्स आ जाते हैं। ओनर आने जो? अच्छा तो बता देता लिविंग में रह रहा होटल के ओनर के साथ। चल एक काम कर, सारे कपलों नु दस दे आज तक खाना फ्री। आंटी जी अभी बोल के आता हूँ। यार वो एक दिन के लिए आए, एक दिन में क्या ही कर लेंगे। नहीं मालकिन ने बोला आज रात का खाना फ्री। नहीं मालकिन ने बोला आज रात का खाना फ्री 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 फ्री। टीटू फिक्स दिस। Oh my God. मम्मी सुनो ना। एक सेकंड, सारे गार्डन च मेरे को लिलियां चाहिए दी है। अप्रैल मैडम ने मना किया नए फूल लगाने से। अप्रैल महीने ने मना किया? मैम मेरा नाम अप्रैल है। ये कैसा नाम रख दिया माँ बाप ने? अपर्णा रखा था, अप्रैल मैंने खुद रख दिया। आज से मैं भी अपना नाम जनवरी रख रहा हूँ। मम्मी अब रूम में जाके आराम करो ना, आप तो कल वैसे ही जा रहे हो। जय हमारे दुश्मन। हम तो ये साल यही रहेंगे। चल बेटा लिलियां खरीद के आते हैं। तू फिक्र ना कर, कल तो मैं भेज दूंगा। मम्मी एक बात बता, ये मैनेजर कुछ काम वाम भी करती है या एवं वेली घूमती रहती है? मैडम सच बताएं, अब सारा काम तो टीटू सर संभालते हैं, मैडम ज्यादा कुछ नहीं करती। मम्मा आप घर जाके आराम करो ना। तू चाहता हम यहाँ से चले जाएं? मैम आपने बुलाया। एक सेकंड, तू चाहता है हम यहाँ से चले जाएं? नहीं मम्मा। बस तो फिर। हाँ बेटा चलाए। अप्रैल बैठो। नहीं मैम मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा खाना खाने के लिए नहीं बुलाया, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। ओके दिस इज गोइंग टू फास्ट। बेटा मैं ना सोच रही थी आज से ना मैं ही मैनेज करूंगी। मतलब? बेटा एक सेकंड, आप लोग मुझे ही फायर करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश? सॉरी बेटा लेकिन थोड़े आप स्लो हो। ओके लिसन टीटू, ओह शिट, पैनिक अटैक। क्या हुआ? घबराहट हो गई। नहीं बेटा घबरा मत, तू स्लो नहीं, तू फास्ट है, तू मालकिन, तू ही मैनेज। हाँ मैं ही। अरे बेटा देख क्या रहे हो, कमरे में ले जाओ। फास्ट है। हो गया जी, हो गया। बहुत स्लो है। सब ठीक हो जाएगा। विष्णु को तेरे होने वाली बीवी दिखा रही थी मैं। हाँ जी तू भी देख बरबरी कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है ये। मम्मी जी क्या बोले जा रहे हो? भूल गया, बोलता था छत्तीस जाएंगे मेरे लिए मेरी माई लाएगी। वादा तोड़ेगा? आंटी जी लड़की कैसी है? एकदम परी जैसी। मुबारक हो सर परी मिल गई। मुबारक हो सर परी मिल गई। कैसी मैनेजर है, काम ही नहीं करती। अप्रैल मुझे कुछ नहीं बोला, जब तूने वापस भेज पाएगा ना साथ में खुद भी चले ही जाइयो। यार तू तो ऐसे ही बोल रही है जैसे तुमने शादी कर ली। मैं ऑब्वियसली उनका सब बहुत हुआ। अरे दिस हैपेंस मेनी टाइम्स। नहीं बता पाया यार, पहली बार उनको इतना खुश देख रहा था, कैसे तोड़ता उनका दिल। अंकल जी ट्रूथ एंड डेयर खेलें? हाँ हाँ खेलो। बेटा मार तू भी आ जा। नहीं मैम आज माँ के कहने पे नहीं आएगी। ट्रूथ एंड डेयर? ट्रूथ। मैं पूछू तुझे तो जॉब प्यारी है। बेटा कहाँ जा रहे, बैठना गेम ही तो है। कुछ भी पूछ सकता हूँ? हाँ कुछ भी पूछो, कोई डांटे मारेगा तो नहीं। अरे ऐसा क्या पूछ रहा है, काम से भी नहीं खाओगे ना? जब मालकिन बोल रही है पूछ। ठीक है तो क्या सिंगल है? ओ मैंने तेरा मुंह फोड़ देना इधर किधर, चल यहां से। अरे ओ बेटा जी बैठ जाओ। ओए मुझसे पूछ सिंगल हूँ क्या? जम पूछ रही तुम क्या सिंगल है? नहीं हूँ मैं सिंगल, ये मेरी बंदी और ये होटल इसी का है। मैं तो ऐसे ही था, प्यार हो गया इससे मुझे काम पे रख लिया, तब से हम इस होटल में एक साथ रहते। और एक और बात, शादी करूंगा तो सिर्फ इससे, समझा? अब बोल। विष्णु
टैक्सी लेके आ। आंटी जिस टाइम पे टैक्सी नहीं मिलेगी यार मम्मा पैदल जाएंगे। मम्मी थैंक यू। क्या थैंक यू यार, तू कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकती थी, परिवार है मेरा, तू तो अभी से इतनी नफरत करी तो छोड़ यार। टीटू इतने टाइम से एडजस्ट करी थी वही बहुत है। अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। कभी किसी को इतना मिस किया है कि इट हर्ट्स, गुस्सा हो फिर भी बात करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि गुस्सा हो। हेलो आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज दिसंबर बेटा। कैसे हो आंटी? बहुत अच्छी, कैसी है वो? एक्चुअली आंटी मुझे कहना था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ना बच्चा, मुझे तेरा बुरा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ कि इसने मुझसे झूठ बोला। तेरे जैसी बच्ची तो माँ बाप का नकुच्चा करती है। इतना बड़ा होटल आंटी आप ही का तो है, आप कभी भी आ सकते हो। मैं मालकिन, तू मैनेजर। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे, टिट्टू से तो मिलके जा। टिट्टू देख क्या रहा, जा नीचे छोड़ के आ। वापस आ जा। क्यों बोल ना। एक्चुअली लाइफ में पहली बार बड़ा यूजलेस सा फील हो रहा है, तो वो जो नकली खुशी मेरे परिवार को मिली ना, मैं वो उनको असली में देना चाहता हूँ। तो अप्रैल प्लान ये कि मैं लाइफ में बहुत पैसा कमाऊंगा, खुद का होटल खोलूंगा, वो भी अपने परिवार के लिए। और तू तब भी सिंगल रही ना। एक सेकेंड, तू मुझसे ब्रेकअप कर रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। क्या टीटू ने अप्रैल के साथ ब्रेकअप करके सही किया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो एविंग क्रेज। ओके तो दे हैव बीन आस्क्ड कि मतलब टीटू ने लाइक सही किया गलत किया। मेरे हिसाब से गलत, क्योंकि बीइंग टुगेदर एंड वर्किंग दैट थिंग आउट इज दैट वन मतलब थिंग ऑल्सो, मतलब अकेले रहकर सब किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, बट टुगेदर यू कैन बी डबल डबल थिंकिंग एंड एवरीथिंग डबल। सो या थिंक ब्रेवली। ओके सो ये वाला वीडियो मतलब एकदम लाइक सिंपल सी स्टोरी थी, स्टार्टिंग से एंडिंग से लेकर द वे दे प्रोसीडेड एंड एवरीथिंग। मतलब एक बात तो है, मतलब टीटू ने जो झूठ बोला है उनके भाई बाबा से दैट वॉज नॉट नाइस, लेकिन जो लास्ट में शी वॉज लाइक रेडी फॉर वेटिंग, दैट थिंग इज द क्यूटेस्ट है ना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को, वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।